गाजीपुर की धरती पर एक और अनोखे कैंडिडेट हैं साधु बाबा, जो कि अपनी पान की दुकान चलाते हैं। वो अभी चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, पॉपुलर हैं। उनकी दुकान के ठीक बाहर हम खड़े हैं। साधु तांबुल भंडार, संस्कृत में पान को तांबुल कहते हैं, तो ये संस्कृत से निकला हुआ शब्द है तांबुल, और उससे जो है ये पान बना है। और पान की दुकान जो है चचा चलाते हैं, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि आज की राजनीति का क्या माहौल है, और जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो क्या माहौल था। सबसे पहले चचा, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये बताइए कि आपने कब चुनाव लड़ा था? आपकी दुकान काफ़ी फेमस है, हमें काफ़ी दूरी पर लोगों ने बता दिया कि यहाँ पे आपकी दुकान है। चुनाव बताया तो आपसे कि बस वहीं जो है दो चार लोग थे, अरे यार लड़ जाओ हम ये देंगे वो देंगे, जीत दिया किसी ने कुछ नहीं, और वही 2-3 हज़ार रुपया मैंने हमारा खर्चा हुआ, बस यही तो बात है। मतलब आपने शौकिया तौर पे लड़ कोई मतलब हमारा वो नहीं था कि नहीं हम नेता बने और वो नहीं, बस कुछ नहीं, कुछ ऐसे थे जो आज दुनिया में नहीं है, हंसी मजाक में कर दिए हो गया और क्या। लेकिन उस समय जो आपने चुनाव लड़ा था उसने आपको काफ़ी फेमस भी कर दिया, हम बताएं आपको काफ़ी दूरी पर लोगों ने बताया कि आपकी दुकान यहाँ पर है। फेमस जो है कि नहीं तो पहले से भी थे, और चुनाव उनाव लड़ने से और भी लोग जो है जानने लगे, और कोई बात नहीं। क्या फिर मन करता है कि चुनाव फिर लड़ें? नहीं नहीं अब नहीं। ऐसा क्यों? अरे क्या मतलब, हमारे कहने का मतलब कि बढ़ोतरी आ गई, अब चुनाव हम लड़ेंगे कि अपना जिंदगी बचाएंगे। बीमार तो चल रहते हैं, थोड़ा बहुत बैठते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं इन्हीं पर, हम नहीं बैठते हैं ज़्यादा, अब दुकान पे नहीं बैठते हैं। वो तो आप इस्तेफाक से आ गए, नहीं तो हम बैठते नहीं, किसी दिन आते ही नहीं हैं, अब नहीं हमारा कुछ कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है जब आपने चुनाव लड़ा था आज की राजनीति के माहौल में? अरे राजनीति तो यही है कि बताया क्योंकि जान पाट पर अब हो गई है, राजनीतिक जो है कि नहीं मैंने जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको टिकट मिल जा रहा है, अब मानवता और आदमियत पर नहीं मिल रहा है। यहाँ वो बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है, इसका कुछ नहीं, कोई भी जो है कि नहीं, जिसकी संगीता बलवंत यहाँ विधायक थी, अगले बार मनोज सिन्हा ने बनाया, वो पता लगा कि जो है एक दिन मैंने जनता के बीच में नहीं आया, और वो जात की बिंद थी, और वो जो है अपना उसको वही टिकट दे दिया गया, जबकि सारे लोग नाराज हैं उससे, हार भी सकती है। हाँ, पान के रंग में आपको राजनीति का रंग नजर आता है? चर्चा होती है पान की दुकान पे कभी? चर्चा तो भाई पान की दुकान पर, चाह की दुकान पर जहाँ मिठाई बैठने का अड्डा है वहाँ तो ये सब होता ही रहता है, और यहीं दुकान पर जो है कि नाम कुछ आते हैं तो चर्चा करने लगते हैं, हम अपना चुप रहते हैं, हम बकबक नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, अब आपको कोई पार्टी अगर टिकट दे तो क्या आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? ना। ऐसा क्यों हो गया? अरे पार्टी हमको क्यों देगी? अगर ऑफर करे तो, आप काफी फेमस है आपको बताएं, क्योंकि कई लोगों ने आपके बारे में बताया काफी में। नहीं भाई देखिए, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है और हम चुनाव लड़ पाएंगे, हमने कहा आपसे कि मजाक में अपना उस वक्त भर दिया गया मैंने हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास पैसा है कि हम मैंने लोगों को दारू पिला में ये करें वो करें, ऐसा कुछ नहीं है, और सभी लोग जानते ही हैं हमको, और हमारी उम्र नहीं है कि लड़ें मड़े, गाली सुनना हो तो लड़ेंगे। चलिए ऐसा भी नहीं, थोड़े चचा जो है आज के राजनीति के माहौल से चुनाव भरे नहीं लड़ना चाह रहे हो, लेकिन अपने पान के रंग में ये काफ़ी रंग घुलाए हुए हैं, लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा नाम इनका है, और हमने देखा कि दूर दूर से लोग भी बता देते हैं कि यहाँ पर इनकी दुकान है। तो जो साधु तांबुल भंडार है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ये इलाका जो अगर हम बात करें तो लाल दरवाज़ा कहलाता है गाज़ीपुर का, मार्केट का इलाका है, और पुरानी बस्ती जो इससे काफ़ी सटी हुई है, काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है। 1984 की बात है जब चचा ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद से ये कभी राजनीति में हाथ नहीं आजमाया है, हालांकि वो चाहते हैं कि कैंडिडेट सही आएं जो लोगों के बीच में रहें, घुल मिल कर के काम करें। फिलहाल उनको ये नज़र आता है कि देश की राजनीति में जात पात ज़्यादा है, ये ख़त्म होना चाहिए। फिलहाल
गाजीपुर के इस जगह से हम विदा लेते हैं और जाते एक नए कैंडिडेट के पास, देखते हैं कि वो किस तरह का रंग घुला रहे हैं आज के राजनीति के मैदान में। नकुल शर्मा के साथ चंदन जजवाड़े, गाजीपुर।